खाने के बारे में बहुत सिंपल सा बात आपको समझना होगा आपका बॉडी हमारा बॉडी हम लोग खाना खाते हैं ना खाने से क्या मिलता है हम लोग को एनर्जी मिलता है इस एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं कैलोरीज कैलोरीज तो खाने में मिलता है कैलोरीज अच्छा कैलोरीज को काउंट किया जा सकता है क्या अच्छा चलिए मैं आपको बोलूं मेरा ये मैं आपको इतना सारा रुपया निकाल के दिया और बोला इसको मेजर करके दो कितना है आप कर देंगे आप बोलेंगे देखो ये तो एक हजार है ये एक सौ है ये एक सौ है बारह सो और ऐसे करके आप बोले सर इसमें दो हजार तीन सौ पचास रुपए हो सकता है ना दिमाग लगा कि नहीं लगा? लगा कोई खास दिमाग नहीं लगा आपने दो मिनट में बता दिया इतना है और मैं आपको पूछूं आपके ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरी खाई है तो आप बता देंगे हमको नहीं। क्यों नहीं बता सकते नहीं आता है अच्छा गिनना तो आता है ना तो क्यों नहीं आपको कैलोरी गिन सकते हैं अब इसका मतलब समझाऊं मैं आपको इसका मतलब यह है आप खाना तो खाते हो पर उसमें लिखा हुआ नहीं है कितना कैलोरी है उसमें यही प्रॉब्लम है गिनने में क्या दिक्कत है गिनना तो क्या हमको बता दो तो हम जोड़ देते हैं कितना हुआ पर आप बोलते हैं डॉक्टर साहब नोट में तो फिफ्टी हंड्रेड लिखा है इसमें तो लिखा हुआ है ही नहीं तो मैं कैसे काउंट कर लूंगा कोई मेरे को गिना दे इसमें इतना इतना मैं गिन दूंगा मेरे को क्या प्रॉब्लम है तो आज इस लेक्चर के बाद आपको गिनना आ जाएगा कोई भी खाना देखेंगे आप देखते ही बोल देंगे इसमें इतनी कैलोरी है कैसे प्रैक्टिकल क्लास थियोरटिकल क्लास होता है एक होता है प्रैक्टिकल मैं आज ऐसा हिसाब बना दूंगा कि इसके बाद से आपको कैलोरी गिनने के लिए झमेला करने का जरूरत नहीं होगा कैसे क्या एक एक करके समझते हैं कार और ह्यूमन मशीन का कंपेयर करते हैं कार किससे चलता है फ्यूल से फ्यूल का क्या नाम है पेट्रोल एंड डीजल और इसको मेजर कैसे करते हैं लीटर्स में हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है यह मशीन में यह मशीन जो है यह किससे चलता है फ्यूल से फ्यूल का क्या नाम है फ्यूल का नाम है फूड और यह फूड को कैसे मेजर करूं कैलोरीज कैलोरीज तो ये मेजरमेंट है फूड का मेजरमेंट इज कैलोरीज अच्छा एक बार बताइए आपके बॉडी में कितनी कैलोरीज की जरूरत है अच्छा मैं यहां खड़ा हूं मेरे को कैलोरी जरूरत है क्या अच्छा मिनिमम कैलोरी कब जरूरत होगा बॉडी को अच्छा कार में मिनिमम कब जरूरत होगा जब खड़ा रहेगा तो और कार, कार का स्विच बंद रहेगा तो अच्छा हमारा स्विच भी बंद हो सकता है क्या बंद होने से तो जीरो कैलोरी हो जाएगा पर तो फिर वो बंद ही रह जाएगा तो हमारा मिनिमम कब है वाइल्ड स्लीपिंग डीप स्लीप में रहेंगे आप सारा एकदम पूरा डीप स्लीप में तब आपका लोएस्ट खर्चा है कैलोरी का हमारा मशीन कंटिन्यूअस चलता रहता है और मशीन को क्या चाहिए कैलोरीज चाहिए तो कैलोरीज मिनिमम कब जरूरत है जब आप स्लीप में होंगे अच्छा स्लीप से बैठ गए तो थोड़ा ज्यादा खड़े हो गए तो और ज्यादा अच्छा खड़े होकर ऐसे चलने लगे तो और ज्यादा और स्पीड से चला तो और दौड़ने लगा तो और ज्यादा मतलब जितना मेहनत करेंगे उतना कैलोरी ज्यादा खाएगा बॉडी तो देखिए मेजर करते हैं ये इतना सारा है हमारे पास स्लीप में सबसे कम सीटिंग में उससे ज्यादा स्टैंडिंग में और ज्यादा स्लो वॉकिंग में और ज्यादा फास्ट वॉकिंग में और ज्यादा और रनिंग में और ज्यादा क्लियर है ना मिनिमम जरूरत है आधा कैलोरी पर मिनट हाफ कैलोरी पर मिनट जब आप नींद लेंगे चलते बखत नहीं बैठ जाए तो एक से डेढ़ कैलोरी पर मिनट देखिए मैं अच्छा हमारे सारा दिन में कितना जरूरत होगा टोटल एक आदमी को 1600 कैलोरीज हम और आप हम और आप कौन है लेबर क्लास नहीं है याद रखिए लेबर क्लास को और ज्यादा जरूरत है हार्ड वर्किंग मजदूर को कितना जरूरत है 3000 कैलोरीज हम लोग को 1624 आवर्स हमारा हम लोग क्या करते हैं आम आदमी बैठा ही रहते हैं क्या बैठे रहते सुबह नींद से उठे तब तक तो सोया था फिर बैठ गए फिर बैठ के ब्रश किया बैठे खड़े रहे दौड़ने ओडने का काम सारा दिन बैठना खड़ा होना बैठना खड़ा होना कम कम कैलोरी खर्चा तो हमारा खर्चा हम लोग को बोलते हैं सेडेंट्री सेडेंट्री समझते हैं जो आदमी मेहनत नहीं करता है तो हम लोग हैं सेडेंट्री हमारा खर्चा है 1600 कैलोरीज पर डे और लेबरर का 10 इंटा सर में लेके ऊपर जाएगा 50 बार तो उसका कैलोरी तो ज्यादा खर्चा होगा तो सबका कैलोरी अलग अलग है पर हम यहां जो बैठे हुए करीब करीब सब सोलह सो में हमारा काम चलता है अच्छा चलिए देखते हैं देखिए स्लीपिंग में कितना पॉइंट फाइव कैलोरी पर मिनट आधा घंटा सोएंगे स्वेंग, कितना कैलोरी खर्चा फिफ्टीन कैलोरी सिटिंग में वन टू वन पॉइंट फाइव कैलोरी तो आधा घंटा सोएंगे बैठेंगे तो तीस से अच्छा स्टैंडिंग में टू कैलोरी स्लो वॉकिंग में तीन से चार कैलोरी फास्ट वॉकिंग में पांच से छह और जॉगिंग में सात से आठ और रनिंग में तो हाईएस्ट कितना एक आदमी कंटिन्यूस रन करेगा तो पर पर मिनट दस से बारह कैलोरी ये हाईएस्ट कैलोरी खर्चा है अच्छा आप एक बात बताइए आपको मैं कोई भी काम का पूछूंगा बता सकते हैं अच्छा कैरम बोर्ड खेलने में कितना लगेगा कैरम बोर्ड खेलने इसको देख के बोलिए कैरम बोर्ड में कितना लगेगा चाय बनाने खड़ा खड़ा चाय बना रहा टू प्लस थोड़ा टू प्लस टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री अच्छा फुटबॉल में आपको पूछना होगा गोलकीपर हो या फॉरवर्ड प्लेयर हो है कि नहीं है गोलकीपर तो ऐसे खड़ा रहेगा उसका तो दो तीन कैलोरी का में काम हो जाएगा और फॉरवर्ड प्लेयर को तो? दस कैलोरी चाहिए आधा घंटा वॉकिंग का कितना लगेगा चार कैलोरी पर मिनट का वॉक है ऐसा वाला वॉक ये वाला वॉक है चार कैलोरी पर मिनट ये वाला चार कैलोरी पर आधा घंटा घूम के आया कितना खर्चा हुआ 100? सौ एक सौ से 120 कैलोरी समझ आ रहा है आपको फास्ट वॉकिंग किया तो थोड़ा और तो करीब करीब एक अंदाजन मैं आपको समझा रहा हूं कि इतनी कैलोरी खर्चा है अच्छा ये मिलेगा कहां से खाने से अच्छा कौन सा खाना खाते हैं आप बताइए तो अच्छा खाना जब हम खाते हैं कहां जाता है पहले हम मुंह में डालते हैं और चबाते हैं चबाने से क्या होता है खाना टूटता है ग्राइंड होता है उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है सलाइवा जानते हैं आप लार उसको तोड़ता है उसको डाइजेस्ट करता है फिर वो पूरा खाना हम लोग पेट में ले जाते हैं स्टमक में स्टमक में उसको और तोड़ते हैं उसको एसिड से और गलाते हैं जब ये गल जाए तो इंटेस्टिन में आता है इंटेस्टिन में दो जगह से जूस आता है एक तो लीवर से आता है और एक पैंक्रिय से आता है उसको और तोड़ता है जब ये पूरा खाना टूटते टूटते एकदम मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाएगा अब ये क्या होगा ब्लड में चला जाएगा वहां पे इंटेस्टिन से अब्सॉर्व हो जाएगा ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड ले जाएगा पूरे शरीर में और पूरा शरीर किस से बना हुआ है सेल्स ये हर सेल के अंदर ये घुस जाएगा और सेल के अंदर घुस के सेल उसको तोड़ के उससे कैलोरी निकाल लेगा इसको हम लोग बोलते हैं पूरा सिस्टम देखिए फूड इज फर्स्ट इंजेस्टेड इन टू द माउथ देन डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड द इंटेस्टिन फिर एब्जॉर्ब इन द ब्लड ब्लड रीच द फूड टू द फूड पार्टिकल्स टू द सेल्स और सेल्स इसको क्या करता है कैलोरीज बना लेता है तो आपको यह बात समझ आ गया जब भी आप खाना खाते हैं वो जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा सेल में और सेल उसको कैलोरीज में आपको मालूम है बॉडी में कितना सेल है कितना सेल होगा टेन थाउजेंड बिलियन टेन थाउजेंड बिलियन समझते हैं आप कितना होगा दस हजार बिलियन एक के पीछे कितना जीरो तेरा जीरो <laughs> इतना सारा सेल है हमारे बॉडी में आपको मालूम एक एम एल ब्लड आपने दिया कभी एक एम एल ब्लड ब्लड टेस्ट करने देते हैं पांच एम एल एक एम एल एक एम एल ब्लड में कितना सेल है मालूम है पचास लाख फिफ्टी लैख सेल इन वन एम एल ऑफ पूरे बॉडी में कितना होगा कितना 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 हर सेल को ब्लड चाहिए और ब्लड से उसको मिलेगा फूड ब्लड ले जाके फूड कहां से लाएगा इंटेस्टिन से लाएगा और पूरे बॉडी को दे देगा और सेल उसको तोड़ तोड़ के खाएगा एक बार देखते हैं खाना अच्छा एक बताइए खाना कौन सा टाइप का खाना खा सकते हैं आप बंगाल में क्या खाते हैं मछली भात वगैरह वगैरह दाल अच्छा दिल्ली में छोले भटूरे परौठा दही लस्सी और अगर साउथ इंडिया में गए तो इडली डोसा सांभर उत्तपम और अगर बंबई गए तो बड़ा पाव बड़ा पाव और बटाटा बड़ा और अगर गुजरात गए तो थेपला ढोकला खांडवी और अगर अमेरिका गए तो हॉट डॉग हॉट डॉग बर्गर और अगर चाइना गए तो नूडल्स पास्ता और अगर इटली गए तो पास्ता और पिज्जा अच्छा ऐसा वर्ल्ड में कितना आइटम होगा हजार हजार, हजार 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 नहीं लाखों में चले जाइए मैं दस हजार सोचता हूँ दस हजार फूड टाइप्स है अच्छा सबका कैलोरी काउंट हो सकता है क्या Yes, सब का काउंट हो सकता है क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत सरल सा काम किया उसने क्या किया जितना खाना है सबको उन्होंने सात आइटम में बांट दिया है और वो सात आइटम का क्या नाम है कौन बताएगा कार्बोहाइड्रेट एक, एक है और प्रोटीन एक है और फैट एक है देखिए तो सारा नाम मैं लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनस एंड फैट विटामिन फैट्स और वाटर मिनरल फाइबर एंड विटामिन इसके बाहर कोई भी खाना हम लोग खा ही नहीं सकते यही सात आइटम है वाटर, मिनरल फाइबर और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट ये सात आइटम है अच्छा ये दो इ, इधर हमने अलग लिखा है इसको अलग लिखा क्या फर्क है दोनों में अच्छा खराब नो और कुछ दोनों ही अच्छा है इसमें मिलता है कैलोरी और इसमें मिलता है कैलोरी नहीं मतलब खाना भी खाओ और कैलोरी नहीं हो ये कैसा हो सकता है अच्छा ये पानी मैं पी लूंगा कितनी कैलोरी होगी जीरो कैलोरी विटामिन एक तो टैबलेट खा लू विटामिन का तो कितनी कैलोरी गई सीरो मतलब विटामिन मिनरल फाइबर और इसमें वाटर में कोई कैलोरी तो फिर क्यों देते हैं इसको अच्छा हमारा कार में पेट्रोल डीजल छोड़ के और कुछ डालते हैं क्या हम लोग मोबिल डालते हैं ब्रेक ऑयल डालते हैं ये सब जरूरत है हमारे हमारे बॉडी को ये खाने का जरूरत है किंतु इसमें कोई कैलोरी नहीं है पर इसके बिना काम चलेगा दो एक दिन चलेगा पर गाड़, गाड़ी खराब हो जाएगा पेट्रोल बिना पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाई और उसमें मोबिल ना हो उसमें ब्रेक ऑयल ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये बात याद रखिए इसका भी जरूरत है किंतु नो कैलोरी तो कैलोरी ये जो 1600 कैलोरी आप खाते हो वो कहां से आएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड अच्छा फैट्स कौन सा खाना है बताइए तो सबको मालूम है बटर घी तेल चीज, चीज पनीर ये सब है बट ये सब है फैट अच्छा प्रोटीन में दाल प्रोटीन माने दाल और मीट चिकन मटन फिश ये सब में प्रोटीन होता है थोड़ा दूध में भी प्रोटीन होता है और आगे कार्बोहाइड्रेट क्या है एक है सीरियल सीई आर -E ई ए -E सीरियल्स माने ग्रेन गेहूं चावल बाजरा जवार भुट्टा ये सब है सीरियल्स फ्रूट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑन सुगर ये चार के बाहर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट में क्या है ये चार आइटम है कार्बोहाइड्रेट तो आप एक बार फिर से लिस्ट देखे देखिए तो अच्छा हाँ एक बात याद रखिए कार्बोहाइड्रेट में एक ग्राम खाएंगे तो चार कैलोरी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम खाएंगे तो कितना कैलोरी चार और प्रोटीन एक ग्राम खाएंगे तो चार कैलोरी और फैट एक ग्राम खाएंगे तो नौ कैलोरी और बाकी वाटर जीरो मिनरल जीरो फाइबर जीरो और विटामिन भी जीरो तो अब हम लोग कैलोरी के लिए खाली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के ऊपर डिपेंड करते हैं और फैट खतरनाक चीज है फैट तो ब्लॉकेज बनाएगा चलिए एक बार देखिए कार्बोहाइड्रेट फूड का लिस्ट देखिए तो सीरियल, है क्या -क्या है? सीरियल में क्या क्या नाम देखिए तो वीट गेहूं और गेहूं से बना हुआ कोई भी चीज गेहूं से क्या बनता है दलिया बनता है रोटी बनता है ब्रेड बनता है ये सब गेहूं से बनता है मैदे का सब आइटम गेहूं से बनता है ठीक है राइस राइस और राइस से बना हुआ चीज इडली किससे बनता है राइस डोसा राइट तो राइस और राइस से बना हुआ जो भी आइटम है ये मुड़ी राइस और चिड़े राइस चिड़वा और बाजरा कौन कौन मतलब भुट्टा और रागी रागी मालूम है यहां पे ये साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटका में रागी इज अ मेजर फूड जैसे हम लोग यहां भात खाते हैं और रागी का रोटी खाते हैं रागी एक छोटा छोटा सा दाना होता है किसके तरह मैं बोलूंगा सरसों के तरह उसको तोड़ के उसको उसका सब्जी बन, उसका लोग रोटी बनाते हैं तो रागी और जवार ये सब हुआ सीरियल और सुगर है और फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है तो ये सब क्या है कार्बो हाइड्रेट्स अच्छा प्रोटीन का लिस्ट देखिए तो प्रोटीन में दाल और पल्सेस सीरियल्स में भी कुछ प्रोटीन होता है वीट कॉर्न राइस सब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है मिल्क और अंडा और फिश एंड मीट इनमें लाल क्यों लिखा हमने ये लाल लाल क्यों लिखा हमने ये, तो ये तो ग्रीन लिखा है लाल लिखा है कोलेस्टेरॉल याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल किस चीज में होता है एनिमल प्रोडक्ट एनिमल है क्या मिल्क एनिमल एग एनिमल और मीट फिश एनिमल है तो इसको तो हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल से तो जमता है ब्लॉकेज क्लियर है ना और देखिए फैट फैट में याद है आपको कौन सा फैट का मतलब है ऑल ऑयल्स कौन सा ऑयल हो सकता है कोई भी ले लीजिए सफोला कर्नोला धारा सनड्रॉप मूनड्रॉप गोलड्रॉप शिकार वाइटल सोया ऑलिव ऑयल जो जो नाम हमने बोला था सब ऑयल का क्या नाम है फैट एक ग्राम खाएंगे तो नौ कैलोरी और घी भी फैट है और क्रीम भी क्रीम जानते हैं मलाई और बटर भी फैट है और चीज भी फैट है और अगर इनविजिबल देखूं तो इनविजिबल आलमंड काजू मूंगफली पिस्ता कोकोनट ये सब क्या है फैट है तो अब आपको सब खाना समझ आ गया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट यही तीन हम लोग खाते हैं अब हमको आगे ये बात बताइए हम लोग खाने में आदमी मेरे को पूछता है सर ताले ठीक है हम लोग फैट नहीं खाते बाकी तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खा सकते हैं कोई नहीं मेरे को बोला डॉक्टर साहब ये बैलेंस डाइट क्या होता है बैलेंस समझते हैं खाली कार्बोहाइड्रेट से चला लूँ खाली प्रोटीन से चलाऊँ ना खाली फैट से चलाऊँ मैं बोला देखो बैलेंस रखना होगा बोला बैलेंस में क्या रखूँगा मैं बोला बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट सत्तर होना चाहिए प्रोटीन बीस होना चाहिए फैट दस तो टोटल कितना हो गया हंड्रेड अच्छा कार्बोहाइड्रेट में कितना ग्राम खाना होगा सोचिए तो कार्बोहाइड्रेट कितना खाना होगा सोलह सो कैलोरी है सेवेंटी परसेंट कितना होता है कार्बोहाइड्रेट ग्यारह सो बीस सेवेंटी परसेंट कितना ग्राम हो गया चार से डिवाइड करेंगे तो दो 80 अस्सी ग्राम प्रोटीन बीस परसेंट बीस परसेंट में कितना होगा तीन सौ बीस कैलोरी तो कितना ग्राम हो गया 80 ग्राम और फैट 100 साठ दस परसेंट नौ दिए डिवाइड करना होगा नौ से डिवाइड करने से कितना होगा 18 ग्राम आपको याद है मैंने बोला था 18 ग्राम हमें बॉडी में फैट क्यों चाहिए क्यों मिनिमम फैट 10 परसेंट तो देना होगा मैं अभी भी जीरो बोला हूं आपको पर जीरो के साथ ये बोला हूं कि हर खाने के अंदर जो जो आ गया तेल उससे आपका अठारह ग्राम हो गया हमारे यहां पे रिसर्च होके एक डाइटिशियन ने रिसर्च किया और उसने दिखाया कि बिना तेल में आपको जितना चाहिए उतना फिर भी मिल रहा है तो आपको अठारह ग्राम कहां से मिलेगा हर खाने के अंदर रोटी में चावल में फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में कहीं पे भी आप जाइए हर खाने में थोड़ी थोड़ी तेल होती है वो हमारा काम पूरा कर देगा क्लियर है अच्छा एक ने मेरे को पूछा डॉक्टर साहब ये 1600 सो तो खाऊंगा ये बात बताइए ब्रेकफास्ट के पहले ही खा लू या बाद में खाऊं सारे दिन में खाना है ब्रेकफास्ट के पहले दवाई खाते हैं डॉक्टर को पूछते हैं दवाई कब खाना है ब्रेकफास्ट के पहले या बाद यार सोलह सो कब खाना है सारा दिन में सारा दिन में कितने बार खाते हैं हम लोग देखिए तो एक ब्रेकफास्ट करते ही और एक लंच करते हैं और एक डिनर करते हैं बीच में गैप है क्या स्नैक्स कर देते हैं स्नैक्स अच्छा अब कितना डिवाइड करूं बोलिए तो 1600 सो खाना है आप बोलते हैं सब चार भाग में भाग कर दो मेरे को बता दो कितनी कितनी कैलोरी कब खाऊं तो ऐसा करते हैं एक आइडिया लगाते मैं ऐसा करता हूं तीन मेजर है एक स्मॉल है तो ऐसा करता हूं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट टेन परसेंट थर्टी परसेंट कितना हो गया सौ हो गया ना ठीक है कि नहीं है तीन बार मेजर खाना एक बार छोटा खाना तीन को तीस 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 और दस कर दिया इसमें गड़बड़ है क्या कुछ किसको कम करो डिनर को कम करो देखो सबको को समझ आ रहा है डिनर के बाद क्या करना है सोना है और सोने में खर्चा है ही कहा एक, एक आधी कैलोरी खर्चा है तो इसका मतलब डिनर को कम करके पांच परसेंट कम कर दो और ये को कहा बढ़ा दो लंच में बढ़ा दो और अगर आप एक साथ बड़ा लंच करते हो या देख लो जैसा करना है कभी कोई आदमी बोलता है, मैं तो सुबह बजे ब्रेकफास्ट करता हूं और दोपहर को तीन बजे लंच करता हूं तो मैं बोला ब्रेकफास्ट को पैंतीस कर लो कोई बोलता नहीं ब्रेकफास्ट तो नौ बजे करता हूं दो बजे खाना खाता हूं मैं बोला फिर लंच को बढ़ा लो तो आप देख लीजिए ये हो गया आपका ब्रेकअप अच्छा इसमें कितनी कैलोरी होगा देखिए तो थर्टी परसेंट सोलह सौ का कितना हो गया तो आपको ब्रेकफास्ट में कितना खाना था आज और लंच में फाइव सिक्सटी और स्नैक्स में एक सौ साठ और डिनर में टोटल सिक्सटीन हंड्रेड कैलरीज तो आज आपका जो कैलोरी इंटेक है कितना होना चाहिए सिक्सटीन हंड्रेड अच्छा आज अगर लंच में आपको खाने दूं और बोलूं कैलोरी काउंट करो कर सकेंगे yes. नहीं सकेंगे अभी भी नहीं सकेंगे क्यों नहीं सकेंगे अभी तक जो नॉलेज है वो थियोरिटिकल नॉलेज है व्हाट इज प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल हो गया कि डॉक्टर साहब ये चपाती खाऊंगा ये हो गया प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है ये इतना चावल खाऊंगा तो कितनी कैलोरी होगी अगर ये सब समझ आ जाए तो हो सकता है आप फिर काउंट कर सकते हैं तो चले प्रैक्टिकल क्लास में चले थल समझ आ गया पूरी बात क्या क्या समझे थियोरेटिकल yeah. थियरेटिकल में समझे कि हमारा बॉडी में कैलोरी जरूरत है मिनिमम सोते बखत बखत दौड़ते मैक्सिमम सारा दिन में हम लोग को 1600 सौ सो कैलोरी जरूरत है वो आएगा कार्बोहाइड्रेट से 70 परसेंट प्रोटीन से 20 परसेंट फैट से 10 परसेंट फैट के लिए अलग से घी तेल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक हर खाने के अंदर मिल गया ये अब लो, हम लोग को समझ आ गया क्लियर है अब आप हमको बताइए एक ये ब्रेड खाऊंगा कितनी कैलोरी मिलेगी यू हैव टू टेल मी बताइए कैसे होगा पॉसिबल है क्या गिनना अच्छा पहले ये सोचिए है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है फैट है कार्बोहाइड्रेट है सब समझ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है सीरियल है गेहूं से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट है एक ग्राम में चार कैलोरी तो इसका कितना वजन होगा कितना का वजन होगा इसका लीजिए भाई दस ग्राम बोल रहे हैं और कोई उधर दीजिए उधर दीजिए भाई आइडिया तो ले लें पच्चीस ग्राम पांच ग्राम पांच दस पच्चीस नॉट मोर देन सिक्स अच्छा कोई बहुत बड़ा रिसर्च करवा रहे हैं क्या आपसे <laughs> अच्छा इतना तो चल ही जाएगा ना कि डॉक्टर साहब या तो पांच या तो दस या तो पंद्रह या तो बीस या तो पच्चीस या तो तीस या तो पैंतीस तो इतना तो चलेगा ना अंदाज ये मेडिकल नॉलेज तो नहीं है ना तो कैसे क्लियर होगा ये देखिए मैंने सोना वजन करने का मशीन लाके रखा है आपके लिए <laughs> तो ये सोना वाला वजन का मशीन है तो ये रखते हैं अब देखते हैं यह है चौबीस ग्राम और आपके घर पे ये भी नहीं खाते इससे थोड़ा बड़ा वाला इससे थोड़ा साइज में आपने कभी खरीदा अपने घर पे ब्रेड ये आता है इतना बड़ा वाला इतना बड़ा वाला एक आता है 800 ग्राम का इतना आता है 400 ग्राम 400 ग्राम में 12 पीस होता है एक का कितना हुआ 36 ग्राम 35 ग्राम तो एक ब्रेड होता है 35 ग्राम का ये अगर 24 ग्राम का है इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए तो ये पैंतीस ग्राम का है मतलब जो आप घर पे खाते हैं इतना छोटा वाला नहीं इससे बड़ा वाला उसका है थर्टी फाइव ग्राम्स अच्छा थर्टी फाइव ग्राम्स इंटू फोर बट नहीं इसमें पानी भी है मॉइस्चर भी है पानी है इसमें इसमें दस ग्राम पानी है उसको निकाल दीजिए पच्चीस इंटू चार एक ब्रेड खाएंगे तो हंड्रेड कैलोरीज मिलेगा क्लियर है तो चलिए इसको यहां रखते हैं इसका मतलब है ये एक ब्रेड और इसमें आधा डाल देता हूं आधा किस लिए बड़ा वाला ब्रेड ये 12 ग्राम और डाल दिया ये कितना अब? चौबीस इंटू बारह थर्ट, थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में 10 ग्राम पानी 24 25 ग्राम इंटू चार सौ कैलोरी ठीक है अच्छा चलिए ये क्या चीज है चपाती कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम में चार कैलोरी इसका कितना वजन होगा कितना ग्राम बोल रहे हैं आप कोई आप कोई कैलकुलेशन में झमेला नहीं करना चाहता है <laughs> ये ट्वेंटी नाइन ग्राम है और ये दूसरा एक और है देखो इसको भी ये पच्चीस ग्राम है आपके घर पे इससे थोड़ा सारा बड़ा चपाती होगा यूज ये थोड़ा छोटा है मान लेते हैं आपके घर में तीस ग्राम का चपाती है तीस में से छह ग्राम पानी पच्चीस इंटू चार अच्छा ये क्या चीज है मारी बिस्किट जानते हैं ये बिस्किट जो बिस्किट जितने भी है उसमें से सबसे कम वाला फैट वाला यही है तो इसको मैं थोड़ा बहुत अलाउ कर सकता हूं पर एक बार बताइए इसका कितना वजन दस ग्राम देख लू क्या 5.5 ग्राम तो कितना डालने से हो जाएगा 25? करीब करीब पांच डाला हूं, 26 ग्राम 25 ग्राम 26 ग्राम हो रहा है तो अच्छा एक बात बताइए पांच बिस्किट में पांच बिस्किट में 25 ग्राम है इसमें पानी है क्या ड्राई है, ड्राई है, है, पानी नहीं है तो 25 इंटू चार कार्बोहाइड्रेट है, है सो एक पांच बिस्किट मारी बिस्किट खाने से सौ कैलोरी ठीक है फैट बहुत मिनिमम है मान लेते पच्चीस ग्राम में फैट कितना होगा अगर दो दो ग्राम भी हुआ तो और दस कैलोरी और जोड़ दीजिए तो चार बिस्किट ही रख लेते हैं चार बिस्किट में सौ कैलोरी ठीक है अच्छा ये चावल कितना ग्राम होगा अच्छा पहले ही बोलिए है, कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है फैट है कार्बोहाइड्रेट है फार्गोहाइड्रेट एक ग्राम में चार कैलोरी ये कितना ग्राम है पचास ग्राम सौ ग्राम क्या बोलते हैं आप इसको दबाया हुआ है हमने आपको मालूम है इसमें 86 ग्राम है 86 के बाद और थोड़ा डाल दूं, 100 कर ही लेता हूं 92 हुआ अभी 97 चलिए हंड्रेड मान लेते ठीक है हंड्रेड ग्राम ऑफ राइस बॉयल राइस इसमें कितना कैलोरी हंड्रेड इंटू फोर नो 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 अच्छा ए तो इतना राइस लू ओरिजिनल और इसका चावल बना लू इतना ही आएगा ना चार गुना चार गुना तो याद रखिए इसमें पच्चीस ग्राम ही चावल है पच्चीस इंटू चार सौ ताले तो इतना चावल खाने से कितना कैलोरी अंदर जाएगा आपके सौ कैलोरी क्लियर है तो एक कटोरी चावल में 100 कैलोरी अच्छा ये क्या है दाल गाढ़ा दाल समझते हैं गाढ़ा गाढ़ा दाल ये जो दाल है ये भी 100 ग्राम का है मैंने कैलकुलेट देख लिया था पहले ही 92 ग्राम है 100 मान लेते हैं इसको 100 ग्राम दाल में ओरिजिनल दाल है 25 25 इंटू चार सौ कैलोरी तो ये भी 100 कैलोरी तो एक काम करते हैं ये सौ वाले का लिस्ट बना ले पच्चीस ग्राम ओरिजिनल दाल और दाल क्या है प्रोटीन प्रोटीन एक ग्राम में चार तो पच्चीस पच्चीस ग्राम दाल में तो पच्चीस ग्राम दाल का आप कुछ भी करिए सब में कितना कैलोरी आएगा स्प्राउट समझते हैं स्प्राउट स्प्राउट भी यही है सौ ग्राम स्प्राउट सौ कैलोरी तो एक काम करते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं अपना ये क्या क्या चीज का भी मेजर कर रहे थे हम लोग हंड्रेड हंड्रेड वाला जितना हंड्रेड का उसका लिस्ट बनाया अच्छा हंड्रेड का एक लिस्ट बना दें आपके लिए हंड्रेड का सारा लिस्ट बनाते हैं अच्छा क्या क्या हंड्रेड क्या कैलोरीज ना मैंने देखा कैलोरीज दिमाग में जाते ही टेंशन शुरू तो मैं ऐसा करता हूं इसको रुपीज लिख देता हूं मैंने देखा रुपया पैसे का हिसाब बहुत जल्दी समझता आदमी तो आपका हिसाब में रुपया रख देता हूं रुपया को हिसाब में समझने में इजी आएगा ना कितना रुपया खाना है सारा दिन में सोलह सो, ब्रेकफास्ट में कितना चार 80। अस्सी लंच में पांच 60 साठ रुपया और लंच आफ्टरनून में एक 60। साठ और डिनर में चार सौ ये खाना है और एक एक ये सौ रुपये में क्या क्या मिलेगा सौ रुपए में एक चपाती एक ब्रेड स्लाइस है ना और पांच मारी बिस्किट चलिए चार साढ़े चार पांच ही लिख देते हैं और दाल हंड्रेड ग्राम थिक दाल थिक समझते हैं ना थिक दाल और थिक कुक्ड दाल और 100 ग्राम बॉइल्ड राइस ठीक है ना ये सौ सौ रुपए का है अच्छा आप एक बार बताइए ये, ये सौ सौ रुपए वाला तो समझ आ गया ये क्या चीज है खीरा ये कितना वजन होगा सोच के बताइए कितना एक किलो में दस पीस सो सौ सौ मानते अच्छा ये है क्या चीज क्या है कार्बोहाइड्रेट पर इसमें पानी बहुत ज्यादा है इसमें पानी बहुत ज्यादा है फाइबर ज्यादा है तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट विथ लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ फाइबर ठीक है ना पक्का हुआ लॉट ऑफ फाइबर एंड लॉट ऑफ वाटर दोनों में कैलोरी नहीं है तो इसका वजन पहले देख लेते हैं इसका वजन है आपको जाके मैं बता दू इसमें 96 ग्राम है ये 100 ग्राम में 90 परसेंट पानी है आप खीरा चबा के खाते जाइए पानी चूस लीजिए देखेंगे इतना सा रह जाएगा 90 ग्राम पानी 10 ग्राम में सात छह ग्राम फाइबर छह ग्राम फाइबर का भी जीरो चार ग्राम कार्बोहाइड्रेट चार चौके ये खाऊंगा तो कितना कैलोरी जाएगा देखिए मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ कोई डाइटिशियन वाला वैल्यू नहीं दे रहा हूँ अंदाज दे रहा हूँ करीब करीब एक दो परसेंट इधर उधर होगा तो इसमें कितना कैलोरी सोलह कैलोरी तो दिस इज सिक्सटीन हैं अच्छा ये क्या चीज है टोमैटो ये भी वही है क्या कार्बोहाइड्रेट विथ लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ फाइबर ठीक है ना कितना वजन होगा इसका एक किलो में कितना एक किलो में एक 104 ग्राम है एक मान लेते हैं, तो एक किलो में दस चढ़ेगा अच्छा इसका इसमें से 90 परसेंट पानी पांच ग्राम फाइबर पांच ग्राम कार्बोहाइड्रेट पांच चौके 20, तो यह 20 कैलोरी है, 16 कैलोरी यह दोनों को क्या नाम से जानते हैं हम लोग सलाद एंड वेजिटेबल तो एक रूल बनाते ऑल वेजिटेबल एंड सलाद रुपीज ट्वेंटी ठीक है ना रुपीज ट्वेंटी में कौन हो गया रुपीज ट्वेंटी में कौन है ऑल सैलाड्स एंड नॉट फ्रूट वेजिटेबल्स वेजी अच्छा इसमें कौन सा कौन सा वेजिटेबल का नाम जानते हैं आप गाजर मूली पत्ता गोभी फूल गोभी टिंडा भिंडी लौकी कद्दू और जो जो नाम जानते हैं बैंगन वंगे ने जितना वेजिटेबल है सब 100 ग्राम खाएंगे तो 20 कैलोरी पाएंगे क्लियर है इसमें एक ऐसा वेजिटेबल है जो रूल नहीं मानता वो कौन वेजिटेबल है आलू 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 राजा आलू बोलता मैं राजा हूं मैं प्रजा के साथ नहीं जाऊंगा मैं राजा के दल में जाऊंगा तो उसको आलू बोलता है मैं तो यहां रहूंगा ग्राम सौ ग्राम, सौ ग्राम, सौ 100 ग्राम आलू 100 ग्राम 100 कैलोरी 100 ग्राम ऑफ पोटाटो तो। सौ ग्राम पोटाटो सौ ग्राम कैल सौ कैलोरी ये कितना ग्राम का पोटाटो होगा कुछ आइडिया क्या लगता आपको सौ से बेसी होना चाहिए हाँ एक सौ पंद्रह ग्राम है तो एक काम करते हैं इसको काट दें ये लीजिए या एक सौ तीन ग्राम हो गया अब सौ ग्राम सौ कैलोरी इतना आलू खाएंगे तो हंड्रेड कैलोरीज क्यलरी। तो अब हम लोग के पास सारा वेजिटेबल का कैलोरी काउंट हो गया आपसे अच्छा अब ये ये क्या चीज है बोलिए तो ये क्या है फ्रूट फ्रूट आपको क्या लगता है फ्रूट का कैलोरी और टमाटर का कैलोरी एक होगा किसका ज्यादा होगा फ्रूट का ज्यादा होगा तो फ्रूट इज फिफ्टी रुपीज फ्रूट मतलब रुपीज फिफ्टी रुपीज फिफ्टी में कौन है ऑल फ्रूट्स ये जो मेजरमेंट सिस्टम है मैं बताऊं ये हम लोग की अपनी सावल की डेवलप की हुई है ये कहीं पे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिकल बनाने का कोशिश किया है बुक्स में नहीं मिलेगा ये तो ये जो फ्रूट्स है सारे फ्रूट 100 ग्राम खाएंगे तो 50 कैलोरी मिलेगा ये कितना ग्राम का होगा एप्पल एक किलो में कितना पांच या छह या सात सात बोलते हैं छह बोलते हैं ये एक सौ चौवालीस ग्राम है डेढ़ सौ ग्राम है तो एक किलो में छह से ऊपर सात छ सात दोनों करेक्ट है डेढ़ सौ ग्राम का ये एप्पल तो कितना कैलोरी सेवेंटी फाइव कैलोरी ये पूरा खा गया तो कितनी कैलोरी गई सेवेंटी फाइव कैलोरी तो इसको यहां रख देते पचास रुपए में तो पचास रुपए में और कौन कौन फ्रूट है चार फ्रूट को छोड़ के सारे फ्रूट हैं वो चार कौन से हैं जो बोलते हैं हम हम जाएंगे सौ रुपए के दल में चार फ्रूट ऐसा है जो बोलता है मैं सौ रुपए के हिसाब में जाऊंगा वो है बनाना मैंगो आम चीकू सफेदा और अंगूर को इसमें हम डाल देते हैं ग्रेप्स को इसमें डालते हैं ग्रेप्स बहुत ज्यादा खाया जाता है ग्रेप्स ये चार है हाई कैलोरी का फ्रूट बाकी जितना फ्रूट है सब पचास रुपए में नाम बताइए फ्रूट का ऑरेंज अमरूद मौसम्बी मौसम्बी और पपीता सीताफल अनार पाइन एपल गोआबा जितना वाटर मेलन मास्क मेलन ये जितने भी फ्रूट है सब का सब 100 ग्राम खाइए चालीस कैलोरी पाइए अंदाजन ये एक रूल याद रख लीजिए सारे फ्रूट्स चार को छोड़ के चार को छोड़ के सारे फ्रूट्स यहां पे। इसको मैं कभी कभी क्या बोलता हूं ये तीन चीज आप समझ गए बीस रुपया पचास रुपया और सौ रुपया।, रुपया तो अब आप काउंट करना सीख जाएंगे आप अब घर पे बाहर खाना खाने गए और आपको मैंने रोटी दिया चावल दिया सलाद दिया आप काउंट कर सकते हैं आप सलाद सौ ग्राम खाएंगे तो बीस कैलोरी एक सब्जी खाया सौ ग्राम तो आलू का सब्जी हो तो 100 कैलोरी और दूसरी सब्जी हो तो 20 कैलोरी अच्छा रोटी एक खाया चावल खाया दाल खाया काउंट हो सकता है आपको समझ आ रहा है कितना इजी हो गया बात ऑयल हमारे इसमें ही नहीं तो हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी ऐसे ही तो ये काउंट आपको करना सीखना पड़ेगा अच्छा 500 वाला भी कैलोरी होगा क्या कुछ चलिए पांच सौ रुपए का एक ये एक डब्बे में बंद करके रखा पांच सौ रुपए वाला क्या है बोलिए तो? ये जानते हैं आप पैकिंग किया पांच सौ वाला को पैकिंग अच्छे से करना चाहिए ना ये है गुलाब जामुन जानते हैं आप इसको ये अच्छा ये कितने ग्राम का होगा हाँ आपने आपको मैं बताऊं कभी कोई रिलेटिव के घर गए हो गुलाब जामुन का पैकेट लेके तो बोला लूखा गुलाब सूखा गुलाब जामुन पैक करो वो एक डब्बा लेगा पांच इधर चार इधर करके एक किलो वजन कर देगा बीस में एक किलो तो पचास ग्राम तो ये गुलाब जामुन पचास ग्राम का है एक। अच्छा इसमें क्या क्या आइटम होगा बोलिए तो चार आइटम से बना है इसमें एक तो है मैदा एक मावा चीनी और घी घी पांच कैलोरी नहीं घी नौ कैलोरी मावा नौ कैलोरी और मैदा चार कैलोरी चीनी चार कैलोरी तो चार चार, चार 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 नौ नौ एवरेज छ एवरेज छ पचास छ को मल्टीप्लाई कीजिए तीन सौ कैलोरी तो एक गुलाब जामुन थ्री हंड्रेड अच्छा खाना खाने के पहले चार खालों कैसा रहेगा आपको समझ आ रहा बारह सो कैलोरी तो रुपीज फाइव हंड्रेड में कौन होगा ऑल फ्राइड स्वीट्स एंड नमकीन नमकीन जानते हैं स्नैक्स ये भुजिया खाया भुजिया भुजिया जानते हैं चानाचूट जानते हैं ये सब यहीं पे है पांच सौ रुपए वाले में है अच्छा ये लिस्ट आपको चाहिए क्या कौन सा खाने में कितना चाहिए आपका बुक निकालिए सिक्स नंबर पेज मिला क्या इलायची कितना ग्राम होगा उसमें उसको कैलोरी गिनिए मत मोटी मोटी कैलोरी गिना रहे हैं हम लोग आपको समझ आ गया क्या एक कोल्ड ड्रिंक डेढ़ सौ कैलोरी का है अच्छा ये आपको पूरा क्लियर हो गया क्या लिस्ट मिल गया आपको अब अब एक आदमी मेरे को पूछा डॉक्टर साहब ये सब जानने से मुझे फायदा क्या होगा कैलोरी डिसाइड करता है आपका वेट मैं आपको वेट मैनेजमेंट समझाना चाहता हूं ये वेट कैसे आदमी का कैलोरी से डिसाइड होता है मेरा गाड़ी था मेरा गाड़ी एक फिक्स डिस्टेंस जाता है ये चेंबर में बैठता हूं वहां से घर जाता हूं घर से वापस आता हूं फिर घर जाता हूं फिर चेंबर में आता हूं मान लेते हैं और मेरा बेटा जाएगा आएगा मेरी वाइफ जाएगी आएगी मैंने कैलकुलेट किया हर दिन पांच लीटर पेट्रोल खाता है मैंने अपना ड्राइवर को बोला बगल वाला पेट्रोल पंप में जाना मेरा नाम लिखाना एक स्लिप दूंगा वो पाँच पांच लीटर तुमको पेट्रोल डाल देगा हर दिन पांच लीटर खर्चा होता है पांच लीटर डालते हैं मेरा कांटा एकदम ऊपर रहता है सबसे एकदम हाईएस्ट में भरा हुआ रहता है टंकी एक दिन बैठा गाड़ी में मैं देखता हूँ टंकी का एकदम कांटा लास्ट में मैं बोला क्या हो गया बोला साहब कल आपका फ्रेंड आया था उनको लेके गया था फरीदाबाद फिर गुड़गांव उसमें सारा पेट्रोल खत्म तो मैंने उसको बोला एक काम करो कल से छह लीटर डलवा देना तो पांच लीटर खर्चा होता था छह लीटर हमने डलवाना चालू किया धीरे धीरे कांटा बढ़ने लगा हर दिन बढ़ते बढ़ते एक दो महीना बाद हमको बोलता है एक महीना बाद कि डॉक्टर साहब आज तो लग रहा फुल हो गया मैं बोला कल सोचेंगे आज तो हो गया ना बोला कल सोचेंगे कल मेरे को पूछता है पांच लीटर डालू छह लीटर डालू मैं बोला कल कितना डाला बोला छह लीटर मैं बोला आज भी छह लीटर डालू और जगह था साढ़े पांच लीटर का तो क्या होगा वो तो छह लीटर डाल के बटन दबा दिया पूरा आधा लीटर बाहर गिर गया वेस्टेज हो गया मतलब टंकी में जितना साइज है उतना ही घुसेगा उससे किंतु हमारा बॉडी का टंकी जो है ना उसका साइज स्ट्रेचेबल <laughs> सोलह सौ सो कैलोरी आपको खाना है आप बोले 2000 खाऊंगा बॉडी बोलता मैं 400 सौ फेंकूंगा नहीं थोड़ा साइज को बड़ा कर लूंगा फिर आप बोलते नेक्स्ट दिन 2000 डालूंगा बोला और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा आपको समझ आ रहा है जो लोग मोटे हैं इसका क्या मतलब है बहुत जबरदस्ती टंकी में भर के समान रखा हुआ है आपको समझ आ रहा है इसका मतलब वजन जिसका बेसी है उसका मतलब क्या है वो कैलोरी खा रहा है आपको एक बार समझा दू मैं मान लेता हूं एक किलो ओवरवेट हूं एक हजार ग्राम मेरे पास एक्स्ट्रा है ग्राम एक ग्राम क्या है फैट है फैट फैट में नौ कैलोरी तो मेरा मेरे पास कितना कैलोरीज एक्स्ट्रा है नाइन थाउजेंड कैलोरीज मेरे पास एक्स्ट्रा है और जो दस किलो ओवरवेट है उसका बैंक बैलेंस नाइनटी कैलोरी और जो 20 किलो वेट ज्यादा है है उसका बैंक बैलेंस तो तो आपको समझ आ रहा है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा वेट है इसका मतलब क्या है वो कभी ना कभी खूब कैलोरी खाया था और खर्चा हुआ नहीं बॉडी में जमा रह गया अगर आपका वजन आज जितना है कल भी उतना है इसका मतलब क्या है जितना खाया था उतना बर्न हो गया, बर्न हो गया। किंतु आपने खाया कैलोरी बेसी और कम कर, कम आपने खर्चा किया तो फिर वो कैलोरी आपका बॉडी में जमेगा आपका मोटापा बढ़ता जाएगा क्लियर हो गया आपको इसका मतलब अब एक बार बताइए जो आदमी मोटा है उसको क्या करना चाहिए फिर अच्छा बर्न करेगा एक घंटा वॉक करेगा एक कैलोरी खाए कम होगा और एक गुलाब जामुन छोड़ दिया तो तीन कैलोरी कम हो जाएगा तो इजी तो उसको खाने में ही बहुत जल्दी हो जाएगा तो एक बात समझ लीजिए फिर वजन कम करना हो तो कौन सा खाना खाना चाहिए इनमें से कौन सा खाना चाहिए बीस रुपया और पचास रुपया समझ में आ रहा है और जिसको वजन बढ़ाना है उसको सौ रुपए वाला और जिसको वजन बढ़ाने के संग हार्ट का बीमारी पैदा करना है वो आपको क्लियर हो रहा है खाने पीने का तो वजन बढ़ाना हो तो क्या करना होगा सौ रुपए वाला खाओ चपाती ब्रेड राइस जम के खाओ आपका वजन बढ़ने लगेगा समझ में आ रहा है आपको मेरे ऑफिस में एक आदमी था सोमनाथ इतना बड़ा पेट अरे मैं बोलता था सोमनाथ तुम चपरासी का काम नहीं था क्यों खाता है बोलता साहब हम तो गरीब आदमी हम कैसे खा पाएंगे अब मैं बोला गरीब आदमी बोलता कुछ भी नहीं खरीदता हूं मैं तो बिना खा के रहता हूं मैं बोला बिना खा के तुम्हारा ये बॉडी बन नहीं सकता ऐसा तो मैंने एक दिन उसको पूछा मैं बोला यार ये क्या खाना लेके आता है लंच में कुछ खाता है बोलता हाँ लंच में लेके आता है एक छोटा सा पैकेट लाता है मैं बोला पैकेट लेके आना तो पैकेट खोल के देखता हूं उसमें छेठू रोटी है छह रोटी गोल करके घुमा के लेके आया पैकेट में बांध के अच्छा हम लोग के तरह रोटी नहीं इससे थोड़ा मोटा रोटी है छह टू खाता है कितना कैलोरी है डेढ़ सौ करके एक एक गिनूंगा तो नौ सौ कैलोरी मैंने बोला इसको कैसे खाता है बोलता है अचार लेके आता है अचार में टच कर करके नहीं तो एक चाय का कप लेके उसमें घुसा घुसा के छो रोटी तो नौ सौ कैलरी लंच कर रहा है मैं बोला सुबह खा के क्या आया बोला छह छह रोटी खा के बोला रात को बोलते छह रोटी और खाऊंगा कितना खाएगा सत्ताईस सौ कैलोरी वजन बढ़ेगा घटेगा वो खाली सौ रुपए का खाना खा रहा है उसका तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपको समझ आ रहा है तो वजन जिसको बढ़ाना है उनको क्या बोलूं मैं बोलूंगा खाऊ आप समझ समझने ये उन्नीस बी एम आई वाले हैं ये ये अट्ठारह बी एम आई वाले हैं इनको खिलाऊं क्या सलाद खिलाऊं नहीं इनको बोलूंगा सलाद तो खाना ही मत आप क्या खाओगे वाला खाओ रोटी खाओ चावल खाओ रोटी चावल जिससे आपका वजन बढ़ेगा जो मोटा आदमी है उसको क्या बोलूंगा रोटी चावल बंद करो खाओ तो जो लोग मोटा उसको मैं क्या बोलता हूँ खाना खाने से पहले ना एक फुल प्लेट सलाद खा लेना और फ्रूट्स खाना और रोटी तो आधा रोटी खाना बोलता मेरा वजन गिरता जा रहा है मैं बोला कैसे बोला मैं तो पूरा पेट भर के खाना हूं तो आपको समझ आ रहा है हिसाब क्या हो गया ये नॉलेज आपके पास हो तो वजन बढ़ाना घटाना इजी है क्या

पीएचडी करी हुई है पीएचडी करी हुई मतलब पढ़ी लिखी है बहुत पीएचडी करी हुई है अमेरिका से और जब आई थी तो यहां सत्तर किलो वेट था और पिछले एक साल में दस किलो बढ़ गया।, बढ़ गया लड़का वाला लोग रिजेक्ट करके चला जा रहा है शादी नहीं होगा इसका अब क्या करना चाहिए मैंने बोला यार डाइटिंग कराओ बोलता सुबह से शाम तक डाइटिंग में ही है सुबह से शाम तक डाइटिंग करती है वजन उसका बढ़ता जा रहा है क्या करना चाहिए डाइटिंग का हिसाब मैंने उनको बुलाया मैं बोला आप बुला के लाओ मैं मिलूंगा बोला आप क्या खाती है कुछ भी नहीं खाता मानू कि नहीं मानू मतलब ये बोलती है मैं बैंक में पैसा डाला नहीं और बैंक में अकाउंट में भर्ती होते जा रहा है ऐसा हो सकता है ना अकाउंट में आप डालोगे तभी ना बढ़ेगा अकाउंट का बैलेंस बोलता नहीं मैंने डाला ही नहीं है अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है मैं बोला ऐसा नहीं होता है बोलती आप बोलो मैं बोला देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर के सामने सच सच बोलो क्या खाती हो

बढ़ना चाहिए कम कम होना चाहिए कम होना चाहिए बढ़ रहा है इसका मतलब गोलमाल मैंने बोला चलो छोड़ो आप नींद से कितने बजे उठती हो बोलती है मैं नींद से छह बजे उठती हूं मैं बोला उठ के कोई चाय वाय तो नहीं पीती है बोला हाँ एक ग्लास चाय पीती हूं अच्छा एक ग्लास चाय का कितना कैलोरी गिनू विथ शुगर ऑब्वियसली एंड मिल्क ऑल्सो चलिए पहले मिल्क का कैलकुलेशन करते हैं मिल्क 100 ग्राम 100 ग्राम समझते हैं कितना होगा ये ये कितना है ये डेढ़ सौ ग्राम है इसको ये सौ ग्राम सौ ग्राम मिल्क खाएंगे इसमें पानी होगा क्या 88 एट ग्राम पानी है पानी का कैलोरी अब बारह ग्राम रह गया बारह में चार कार्बोहाइड्रेट चार प्रोटीन चार फैट कितना हुआ कितना हुआ सिक्सटी एट समझ में आ रहा है आपको तो मिल्क अगर एक सौ ग्राम पिएंगे इतना गाय का मिल्क तो सिक्सटी एट कर आपने सुना डबल टोन सुना डबल टोन मिल्क ये क्या होता है डबल टोन में ये जो दो चार ग्राम है ना इसमें से दो ग्राम निकाल लेता है तो कितना हो गया अट्ठारह निकाल दो समझ में आ रहा है और आपने एक स्किम्ड मिल्क सुना स्किम्ड मिल्क एस के आई एम एम D एस के आई एम एम ई स्कीम ये सबसे सस्ता वाला होता है इसमें फैट और निकाल लेते हैं इसमें से डेढ़ ग्राम और निकाल लेते हैं आधा ग्राम रह जाता है तो ये छत्तीस के जगह कितना रह गया चार ताले कितना हुआ थर्टी सिक्स कैलोरीज साढ़े तीन ग्राम निकाल लिया आपको समझ आ रहा है मिल्क का कैलकुलेशन कैसे होगा चलिए वो बोलती है गाय का दूध से बनता है मेरा चाय तो अच्छा गाय का दूध इसमें मान लेते हैं दो सौ ग्राम है सौ ग्राम पानी सौ ग्राम दूध पानी का कैलरी जीरो दूध का सत्तर सिक्सटी सिक्सटी एट याद है आपको गाय का दूध सिक्सटी एट अच्छा दो चम्मच चीनी कितनी कैलरी दो चम्मच चीनी ये देखिए एक चम्मच पांच ग्राम ये डाला और पांच ग्राम और डाला कितना हुआ पांच ग्राम में कार्बोहाइड्रेट है चालीस कैलोरी डाला और चीन दूध का था सत्तर तो कितना हुआ एक सौ तो दूध का अभी कितना हुआ बेटी का एक सौ मैंने पूछा कोई बिस्किट उट तो नहीं खाती बोला तो हाँ दो क्रीम बिस्किट ये बिस्किट में बीस कैलोरी बीस कैलोरी बीच में साठ कैलोरी का क्रीम सौ कैलोरी का दो क्रीम बिस्किट दो सौ कैलोरी का क्रीम बिस्किट आपको समझ आ रहा है दो बिस्किट का क्रीम बिस्किट का दो सौ कैलोरी कितना हुआ तीन सौ दस, दस ये क्या है बेड टी मैंने बोला उसके बाद बोला आधा घंटा वॉक करती हूं पसीना पसीना हो जाता है इतना मेहनत करती हूं आई सेड वेरी गुड यू आर डूइंग वेरी गुड मैं बोला आके भूख तो नहीं लग जाता है बोलता हाँ मैं बोला फिर क्या खाती हूँ बोला चार स्लाइस ब्रेड खा खाती हूँ ब्रेकफास्ट में चार स्लाइस ब्रेड का मैंने बोला कुछ लगाती तो नहीं है बोलता हाँ मक्खन लगाती हूँ अच्छा मक्खन कितना लगेगा चार स्लाइस में दस ग्राम में चार स्लाइस एक साथ आपने देखा बीस ग्राम का मक्खन देखा छोटा पीस मिलता है प्लेन वेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं तो ये बीस ग्राम में चार वो लगा लेती है अच्छा बीस ग्राम मक्खन का कितना कैलोरी नौ करके मैंने बोला चाय तो नहीं फिर फिरती है अच्छा चाय पिएगी क्या फिर चाय का एक सौ बोला एक ग्लास चाय फिर से मैंने पूछा एक बार बताइए कोई मिठाई उठाई तो नहीं खाती है ब्रेकफास्ट में बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूंगी हर दिन एक गुलाब जामुन जरूर खाती हूं मैं जिंदगी भर से खा रही हूं मैंने कभी बिना मिठाई के ब्रेकफास्ट किया ही नहीं तो तीन कैलोरी कितना हुआ 990 और 310 कितना हो गया अभी तो ब्रेकफास्ट ही हुआ है। <laughs> अभी लंच और डिनर तो पर लंच डिनर थी। बोलती है मैं एक चपाती मतलब मैंने उनको पूछा कोल्ड ड्रिंक के बारे में आपका क्या ख्याल है बोलता कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है दो तीन कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ हर दिन में एक कोल्ड ड्रिंक डेढ़ सौ कैलोरी तो तीन कोल्ड ड्रिंक का साढ़े चार सौ कैलोरी और 300 तो उसका लंच और डिनर भी है मैंने पूछा लंच कितना बजे डिनर कितना बजे बोलती है लंच एक बजे रात को दस बजे डिनर मैं बोला शाम को 6 सात बजे भूख तो नहीं लग जाता है बोलता हाँ मैं फिर बर्गर या पिज्जा मंगा के खा लेती हूँ एक बर्गर में चार सौ और एक पिज्जा में छह सौ आपको समझ आ रहा है ना अच्छा खाती क्या है कुछ भी आपको समझ आ गया है? कुछ भी नहीं का मतलब मैंने देखा ऐसा मैंने ऐसे ही देखा है जितने भी मोटे लोग हैं वो कुछ भी मतलब वही खा रहे हैं खाली वो फ्रिज खोल के एक मिठाई खा लिया 300 कैलोरी गया अंदर तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या एक बात याद रखिए कैलोरीज का हिसाब बहुत सरल है बहुत सरल है आपको खाली समझना होगा जिसको वजन कम करना है वो बीस रुपए का खाएगा पेट भर के और जिसको वजन बढ़ाना है वो अच्छा एक काम नहीं कर लीजिएगा मैं यहाँ पे बता दू जितने लोग यहाँ पतले दुबले बैठे हैं यहाँ वो लोग यहां से जाने के बाद ना खूब सलाद खाता है खूब वेजिटेबल खाता है खूब सूप पीता है और वजन पांच किलो और कम करके आके बोलता है डॉक्टर आपका हिसाब तो सब गोलमाल हो गया अरे मैं बोला तुमने गोलमाल किया क्यों सबका अलग अलग खाना है जो पतला आदमी है उसका खाना सौ रुपए का है और जो मोटा है वो बीस रुपए पचास रुपए खाएगा आप मोटा क्यों खा रहे बोलते मैं तो सलाद खा रहा था मैं बोला यार आपको अलाउड नहीं आप वजन बढ़ाओ आपको सलाद नहीं आपको तो रोटी खाना है कम खाओ मेनली जो पतले दुबले हैं वो मेनली खाएंगे रोटी और चावल अनाज जिससे उसका वजन बढ़े क्लियर है सबको तो एनी अब हमारा खाना तैयार है खाना खाते हैं पौने दो बजा है और आपको एक बार बताऊं अब आज आप खाना काउंट कर सकेंगे कैलोरी एक काम करता हूं ये वइंग वही मशीन वहीं रखवा देता हूं तो आप जब खाओगे तो काउंट कर करके खा सकते हो अच्छा एक काम करते हैं और सरल कर देता हूं हूं मैं एक 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 एक, एक टेबल में में सारा आइटम रख देता देता और सब कैलोरी लिख हूँ अब आप खाना खा लीजिए आगे अच्छा का नहीं पहले से तो मेरा खाना बच जाएगा पहले से नहीं गिनना है पहले तो आके खा लीजिए आगे पेट भर के जो जो ठीक लगे खाइए खाने के बाद उस टेबल में जाइए और काउंट करना देखना चालू कीजिए किसमें कितना खाया फिर एक कागज में लिख के मेरे को यहां जमा करके देना है ठीक है अंदाजा ने एक आपको कितना कैलोरी खाया मुझे लिख के देना पड़ेगा अपना नाम लिखिएगा और मैं देखना चाहता हूं कौन कितना कैलोरी खाया है ठीक है तो अभी करते हैं खाना खाके फिर आते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करते हैं